जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की थी, जिनको लेकर कई सवालात खड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने एक दावा ये किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जान उन्होंने अपने आप ही ली है, ना ही इसके पीछे किसी का हाथ है। लेकिन हाँ, जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी उस दिन सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी हालत को देखते हुए और जितना भी सब कांड हुआ था उन सबको देखते हुए जो निष्कर्ष निकल कॉन्क्लूजन निकल के सामने आया था वो यही कहा था डॉक्टरों ने कि सुशांत का निधन डिप्रेशन की वजह से, उनका डिप्रेशन उन पर हावी था कुछ लोगों की वजह से या काम की वजह से। अब उसकी तलाश मुंबई पुलिस को करनी थी, लेकिन मुंबई पुलिस के सामने ये बड़ी उलझन थी क्योंकि साइंस की भाषा में बायपोलर डिसऑर्डर बीमारी थी सुशांत सिंह राजपूत को। मानसिक बीमारी कहा जाता है जिसमें मरीज के व्यवहार में बहुत तेज़ी से बड़े बदलाव आते हैं। इसे गहरा अवसाद यानी मैनिक डिप्रेशन भी कहा जाता है। इसमें मरीज के मन में काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक रूप से बहुत तेज़ी के साथ उथल पुथल होती है जिसको पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ देखने को मिला कि उनके मन में क्या चल रहा था, उन्होंने अपनी डायरी में क्या जिक्र किया था, क्या उनकी लाइफ में घट रहा था और क्या सुशांत सिंह केस में निकल कर आया डिप्रेशन के बाद ड्रग्स विवाद और नेपोटिज्म विवाद। तो किसी को भी कुछ नहीं पता था कि इनके मन में क्या चल रहा था। सुशांत सिंह ज़्यादा से ज़्यादा किसी डॉक्टर से मिलते थे तो या दो या तीन बार ही उनका मुलाकात होता था क्योंकि वो डॉक्टरों पर भी विश्वास नहीं करते थे कि वो इलाज उनका सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से पुलिस के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि अब वो डिप्रेशन विवाद में जांच करे तो किस वजह को लेकर करे। क्या उनकी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर था या घर में कोई आपसी विवाद था या बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में नेपोटिज्म विवाद था। ये सारे तीन चार पहलू मुंबई पुलिस के सामने थे, उनमें से उन्होंने एक चुना था नेपोटिज्म विवाद। नेपोटिज्म विवाद में रिया चक्रवर्ती से ही पूछताछ हुई थी, लेकिन हाँ तब इतना गहरा शक नहीं था रिया चक्रवर्ती पर। लेकिन जैसे ही अप्रैल के महीने में सुशांत सिंह के पिता ने निधन के एक महीने बाद ही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई, तब से सुशांत सिंह केस की पूरी दिशा बदल चुकी थी। लेकिन मुंबई पुलिस और बाकी जांच एजेंसी इस बात का खुलासा नहीं कर पाई कि सुशांत के डिप्रेशन की वजह क्या थी। AMC ने रिपोर्ट में मोहर लगा दी कि सुशांत सिंह ने अपनी जान अपने आप ली है। CBI ने मोहर लगा दी कि सुशांत सिंह ने अपनी जान अपने आप ली है, लेकिन किस वजह से ली है? क्या रिया चक्रवर्ती की वजह से ली है, क्या नेपोटिज्म विवाद की वजह से ली है, या फिर कंगाली जो छा रही थी उनके पैसे खर्च हो रहे थे धीरे धीरे करके उसकी वजह से ली है? क्या था इसके पीछे की असली वजह, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है दोस्तों। ये एक रहस्य बन गया है जो आपके हमारे जीवन में शायद इसका अंत हो पाना बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।